हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक के द्वारा आप फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक ही लाइन में बता दोगे, चाहे तो वो एग्ज़ाम में उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को पूछे या फिर उन पॉइंटों को पूछे जहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिट करेगी। कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो ये JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के जरिए मैं आपको उस ट्रिक को एक्सप्लेन करूँगा। जो भी ट्रिक मैं बताऊँगा आप इस फंक्शन पर तो अप्लाई करोगे ही, इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो जिसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो आप आसानी से बता पाओगे। चलिए तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के जरिए देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक कुछ बातें बता दूँ। देखिए, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू, या फिर वो बोले लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इन्हें फाइंड करने का तरीका एक ही होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम जानते हैं इन्हें फाइंड करने का तरीका। अब इसमें दो तरह से होता है प्रोसेस कि सबसे पहले तो हमें गिविन फंक्शन के वे पॉइंट फाइंड करने होते हैं जिन पर उस फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिट करेगी, तब हम बता पाएंगे कि फंक्शन की उन पॉइंटों पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले टारगेट क्या होता है, उन पॉइंटों को फाइंड करना। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन लिखा जो लिखा हुआ है, इसमें फंक्शन दिया गया है ये 9x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 माइनस 36x स्क्वायर प्लस 25। इस फंक्शन की देखनी है आपको किन पॉइंटों पर लोकल मैक्सिमा होगा और किन पॉइंटों पर लोकल मिनिमा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो, ये फंक्शन मैंने लिख लिया है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको वे पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पर फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिट करती है। उन पॉइंटों को निकालने का केवल एक तरीका होता है, वो होता है फंक्शन का डेरिवेटिव करो और उसे जीरो के इक्वल रखकर वे पॉइंट निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं उन पॉइंटों को। तो ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसके बाद आपका आंसर एक लाइन में आएगा। इसका डेरिवेटिव होगा एक्स क्यू प्लस 36x स्क्वायर माइनस 72x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी जो भी आपको फंक्शन दिया जाए जिसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछी गई है उसका सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है और उसको जीरो के इक्वल रखना है। इससे आपको वे पॉइंट मिल जाएंगे जिन पर फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम। तो इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे x कॉमन है, उसके साथ ही 36 भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर बचेगा और ये यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप क्लियर देख रहे हैं, एक तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ से जब इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x ज़ीरो आ जाएगा, और जब इसे क्वाड्रेटिक को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से दो पॉइंट आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब आपको क्या करना है, यानी कि इसके फैक्टर इस तरह से होंगे एक्स 36x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये डेरिवेटिव होगा इसका। तो ये हमें पॉइंट मिल गए। अब ये जो जीरो माइनस टू और वन पॉइंट मिले हैं इस पर फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम। अब ये हमें कंफर्म करना है, कैसे करोगे देखिए। एक आपको रियल लाइन ड्रॉ करनी है, रियल लाइन मतलब जिस पर सारे पॉइंट होते हैं। इस लाइन पर केवल वे पॉइंट नोट करने हैं आपको, लिखने हैं जिन पर फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम, यानी जो पॉइंट आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखकर फाइंड किए हैं। तो हमने कौन से पॉइंट फाइंड किए हैं, जीरो माइनस टू और वन। अगर मैं जीरो यहाँ पर बीच में ले लेता हूँ तो वन इसके राइट साइड में होगा और माइनस टू इसके लेफ्ट साइड में, ये हमारे पॉइंट हो गए। यही काम आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि मान लो हमें जैसे सभी पॉइंटों पर हमें देखना है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर होगी। सबसे पहले हम माइनस टू पर देखते हैं, तो माइनस टू पर आपको देखना है। तो क्या करना है आपको, माइनस टू के लेफ्ट साइड से कोई भी पॉइंट एक ले लेना, कोई भी पॉइंट आपकी मर्जी है। मैं ले लेता हूँ माइनस थ्री लेफ्ट साइड से,
इस माइनस थ्री को जो भी पॉइंट आपने लिया है इसको पुट करना है कहाँ पर, डेरिवेटिव में पुट करना है और देखना है कि डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी आती है, किस साइन के साथ आती है, यानी प्लस आती है या फिर माइनस आती है। तो अगर हम माइनस थ्री इसमें पुट करते हैं, यहाँ पुट कर लो या फिर यहाँ, सभी डेरिवेटिव हैं। देखिए यहाँ पर जब x की जगह माइनस थ्री पुट करूँगा मैं तो यहाँ माइनस मिलेगा हमें। देखिए साइन से मतलब है, आप वैल्यू पर जोर मत देना, केवल साइन देखना। यहाँ से माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस थ्री प्लस टू होगा तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी हमें मिलेगा जब माइनस टू से हम छोटे पॉइंट पुट करेंगे इसके डेरिवेटिव में तो हमें सारी वैल्यू माइनस प्राप्त होगी। और आपको ऐसे लिख लेना है माइनस साइन। अब दूसरा काम करना है आपको, माइनस टू के राइट साइड से कोई एक पॉइंट उठाना है और उसे भी डेरिवेटिव में पुट करना और देखना है कि उस पर डेरिवेटिव का क्या साइन आएगा, किस साइन के साथ वो वैल्यू आएगी। तो माइनस टू से इधर बड़ा पॉइंट क्या है, माइनस वन ले लेता हूँ मैं, माइनस वन होगा, कोई भी ले सकते हो आप, मैं माइनस वन ले लेता हूँ। तो मैं वहाँ माइनस वन डेरिवेटिव में पुट करूँगा तो यहाँ माइनस मिलेगा मुझे, यहाँ से आपको प्लस मिलेगी क्योंकि माइनस वन प्लस टू कितना होता है वन, लेकिन यहाँ से आपको माइनस मिलेगी। तो यहाँ से मिली माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और फिर यहाँ से माइनस प्लस मिलेगी। तो कुल मिला के मुझे इस रीजन में प्लस वैल्यू मिलेगी, कहाँ से, माइनस टू और जीरो के बीच में। बस आपको यही करना है, बस अब आप आसानी से बता दोगे, आपका साइन अगर उस पॉइंट पर माइनस से प्लस की ओर जाता है तो फिर क्या वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की उस पॉइंट पर। माइनस टू के लेफ्ट से राइट में अगर माइनस से प्लस साइन जाता है तो क्या वैल्यू होगी फंक्शन की उस पॉइंट पर, लोकल मिनिमम, यानी लोकल मिनिमम आपको मिलेगा। अब हमें देखना है जीरो पर, तो वही प्रोसेस करना है आपको, जीरो के लेफ्ट साइड से एक पॉइंट लेना है और डेरिवेटिव में देखना है वो किस साइन के साथ देगा वैल्यू को। तो जीरो से लेफ्ट साइड में कौन सा पुट है, माइनस वन ले लो, अभी लिया है हमने, तो यहाँ से प्लस ही वैल्यू आएगी तो इसे रहने दो, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जीरो के राइट साइड से ले लो एक पॉइंट, तो जीरो के राइट साइड से मैं ले लेता हूँ वन बाई टू, वन बाई टू लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। देखिए यहाँ से जब वन बाई टू पुट करूँगा एक्स की जगह तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी पॉजिटिव लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा क्योंकि वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन आएगा तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो इस वाली रीजन में मुझे माइनस वैल्यू मिलेगी। बस अब हम बता देंगे जीरो पर, अब जीरो पर यहाँ पर साइन कैसे चेंज हुआ है, प्लस से माइनस, अगर प्लस से माइनस साइन चेंज होता है तो उस केस में होगा मिनी मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा। अब आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, अगर पॉइंट के माइनस से प्लस साइन चेंज होता है तो मिनिमा होगा और अगर प्लस से माइनस साइन चेंज होता है तो मैक्सिमा होगा। तो जीरो पर क्या होगा इस फंक्शन एफ एक्स का, मैक्सिमा। इस पर देखना है वन पर, तो इसके लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट ले लीजिए, तो वन अपॉन टू लिया था तो इस पर माइनस था तो इसे अब चेक करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसके राइट साइड से ले लो कोई पॉइंट, टू ले लो तो टू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ प्लस मिलेगा, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी इधर मिलेगा आपको प्लस। तो इस पर डेरिवेटिव का साइन कैसे हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वन पर लोकल मिनिमा होगा। हो गया क्वेश्चन, तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर पॉइंट के लेफ्ट से राइट की ओर प्लस से माइनस हो रहा है साइन तो मैक्सिमा होगा, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा होगा। जैसे यहाँ पर इस माइनस टू पर माइनस से प्लस हो रहा है साइन तो मिनिमा, और जीरो पर प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा, और वन पर क्या हो रहा है माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा। तो देख लीजिए, अब इसको पढ़ लीजिए, इसमें बोला गया कि एस वन और एस टू क्या है, सेट ऑफ लोकल मिनिमा एंड सेट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी एस वन में वे पॉइंट है फंक्शन के जिस पर फंक्शन का लोकल मिनिमा है और एस टू में लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट है। तो लोकल मिनिमा किन किन पॉइंटों पर है, माइनस टू पर और वन पर, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा सी, और जबकि जीरो पर हमारा क्या है, मैक्सिमा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसी को जरिया बनाना अदर फंक्शनों को भी सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बताए थे जो भी कॉन्सेप्ट जो करना है वो आप किसी भी फंक्शन के लिए
कर सकते हो जिसमें आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हमारी ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल।